हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं ये मंगल ग्रह को लेकर के करने वाले हैं, क्योंकि मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं इस महीने। तो वो किस राशि में अभी चल रहे हैं और फिर कब उनका राशि परिवर्तन होगा और किस राशि में वो जाएंगे और वहाँ पर वो कब तक रहेंगे, किस स्थिति में रहेंगे। अब क्योंकि मंगल ग्रह बहुत बड़ा ग्रह है ज्योतिष शास्त्र में, इनका एक अलग स्थान है, विशेष स्थान इनको दिया गया है ज्योतिष शास्त्र में। भूमि पुत्र हैं ये, तो पराक्रम के कारक माने जाते हैं, साहस पराक्रम ये सब देते हैं मंगल। जब किसी की भी कुंडली में या किसी की भी होरोस्कोप में मंगल की पोजीशन ज़्यादा बेहतर होती है, हम हमेशा इस बात को कहा करते हैं कि मंगल जितनी अच्छी पोजीशन में होते हैं व्यक्ति उतना ही शारीरिक तौर पे स्वस्थ होता है, उसकी फिजिक बहुत अच्छी होती है और इस प्रकार के व्यक्ति बहुत साहसी निडर होते हैं। और अक्सर जिनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है कुंडली में, ये ही लोग होते हैं वो जो सेना, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस बल, BSF, CRPF ऐसी जगहों पे ये देखने को मिलते हैं अक्सर। जितने भी पराक्रम और साहस से जुड़े कार्य हैं वो मंगल के ही द्वारा होते हैं और ये तब होते हैं जब आपकी कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में होते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप मंगल जो ग्रह आपका राशि परिवर्तन होने जा रहा है तो आप इन 12 लग्न राशियों के जो जातक हैं उनके ऊपर किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है कार्यक्रम लग्न राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और साथियों, मंगल ग्रह जो हैं ये दिनांक 13 नवंबर सन 2022 दिन रविवार तिथि पंचमी को रात्रि 8:38 पर अपनी शत्रु राशि मिथुन से ये निकल करके अपनी सम राशि वृषभ में वक्री और उदय अवस्था में इनका प्रवेश होने वाला है, जहां पर ये 12 मार्च सन 2023 तक बने रहेंगे, लगभग 4 महीने कह सकते हैं। अब इन 4 महीनों में मंगल आप 12 लग्न राशियों के जो जातक हैं उनको किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं, इसी बात की चर्चा अभी हम इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। और सबसे पहले करेंगे आप मेष लग्न राशि के जो जातक हैं कि मेष लग्न राशि के जातकों के चार्ट में जो मंगल हैं, देखिए मेष के स्वामी ही मंगल हैं मेष राशि के, तो लग्न भाव के स्वामी हैं ये, लग्न चार्ट जो है आपका उसके लॉर्ड हैं मंगल। और दूसरा जो राशि है इनकी वृश्चिक, वो आपके चार्ट में 8th हाउस में है, अष्टम भाव में। तो ये 1st हाउस और अष्टम भाव 8th हाउस दोनों के लॉर्ड हैं। और अभी जो ये 13 नवंबर को जैसा मैंने कहा कि राशि परिवर्तन करके मिथुन से निकल करके जाएंगे वृषभ में, तो वो 2nd हाउस कहलाता है आपके चार्ट में, द्वितीय भाव वृषभ राशि वहीं पर है और वहीं पर ये 4 महीने रहेंगे। तो देखिए इन 4 महीनों में ये सबसे जो मेष लग्न राशि के आप जातक हैं उनको क्या देंगे, ये आपके पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे बना करके रखेंगे, धन की स्थिति, धन का जुड़ाव होगा, धन का संचय होगा अच्छा इन 4 महीनों में। और आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आपको भरपूर सहयोग और प्यार और आशीर्वाद मंगल के कारण मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ बस इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि अपनी वाणी थोड़ा सा संयम रखें, क्योंकि अगर आपने वाणी पर संयम नहीं रखा तो कहीं ना कहीं सोशली या अपने मित्र जो हैं उनके साथ या समाज में या कार्य क्षेत्र में कहीं पर भी आपकी वाणी आपके लिए थोड़ा सा समस्या खड़ी कर सकती है। तो एक तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रहें, इस बात का ध्यान रखें इन 4 महीनों में, बोलने से पहले क्या बोल रहे हैं उस पर विचार जरूर करें और तभी कुछ बोलें। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो काफ़ी आप एक तरीके से समस्याओं से परेशानियों से बचे रहेंगे, वरना आप लोगों के बुरे बहुत जल्दी बनेंगे।
बजाय इसके कि लोग किस जो हैं उनके साथ आपके अच्छे संबंध डेवलप हों, आपके संबंध जो हैं विच्छेद ज़्यादा हो जाएंगे आपकी वाणी के कारण। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे वृषभ लग्न के जो जातक हैं, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके विषय में। तो देखिए, बहुत अच्छा समसप्तक योग बनेगा शुक्र के साथ, बहुत अच्छा राजयोग बनेगा। तो आप जो वृषभ लग्न राशि के जातक हैं, आपका जो वैवाहिक जीवन है बहुत सुखद रहेगा इन चार महीनों में। अगर पहले से ही कुछ, मान लीजिए कि कोई आपके बीच में कुछ कड़वाहट है रिश्ते में या कुछ तनाव है, वो सब दूर होगा और आपका भी माइंड जो है वो चेंज होगा। अब से पहले अगर कुछ भी चाहे दिमाग में चीज़ें चलती हों, लेकिन अब जब मंगल जो है वृषभ राशि में आएंगे, हालांकि वक्री स्थिति में है, बावजूद इसके आपका भी माइंड चेंज होगा और आपका रुझान, आपका एक तरीके से जो प्यार है वो अपने जीवन साथी के प्रति अधिक होगा, झुकाव अधिक होगा उसके प्रति। कारोबार भी आपका पहले से कहीं बेहतर होगा, उसका ग्राफ अच्छा रहेगा, आपका कारोबार ग्रो करेगा। अगर आप रोजगार में हैं वहां पर भी हालात बेहतर होंगे। लेकिन आपको भी हम यही सलाह देना चाहेंगे, आप वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं, कि वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखें, अपने क्रोध पर भी थोड़ा नियंत्रण रखिएगा और घर के जो बड़े हैं उनका सम्मान जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि उनका प्यार आशीर्वाद आपको मिलता रहे तो उनका सम्मान जरूर करते रहिए। आगे बात करेंगे मिथुन लग्न राशि के जो जातक हैं, जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में मंगल जो है वो एकादश भाव और षष्ठ भाव यानी कि छठे भाव के स्वामी हैं, सिक्स हाउस के और एक इलेवेंथ हाउस के, और ये ट्वेल्थ हाउस में जाकर के बैठेंगे। साथियों, जितनी आय होगी उससे अधिक खर्चा होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बजट आपका बिगड़ ना पाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, और फिजूल खर्ची आपके द्वारा ना होने पाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। और यात्राएं अगर आप कुछ करेंगे तो उसमें भी आपका विशेष रूप से खर्चा होगा। लेकिन ये तो रहे कुछ नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव भी आपको बताएंगे। वो ये कि आपका जो विरोधी पक्ष है वो शांत रहेगा, और अगर कुछ उन्होंने आपके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी वगैरह करते हैं या आपका कुछ नुकसान करने की कोशिश करते हैं तो उनको सक्सेस नहीं मिलेगा। विरोधी आपके कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका, तो उनकी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। दूसरी बात, अगर आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मुकदमा चल रहा है तो वह भी, अगर उसमें भी कोई वर्डिक्ट आ रहा है तो वो भी आपके फेवर में ही जाने के पूरी पूरी संभावना है। और रोग भी शांत रहेंगे आपके, अगर कुछ पहले से कुछ परेशानियां चल रही हैं शारीरिक तौर पे तो उसमें भी आपको सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी, रोग शांत रहेंगे, शत्रु और रोग दोनों शांत रहेंगे। आगे बात करेंगे कर्क लग्न राशि के जो जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके विषय में। आपके चार्ट में जो मंगल है, राजयोगकारी ग्रह हैं ये, दशम भाव और पंचम भाव दोनों के स्वामी हैं। एक राशि इनकी मेष दशम में है और दूसरी राशि इनकी पंचम भाव में वृश्चिक, और ये बैठेंगे एकादश भाव में 13 नवंबर से लेकर 12 मार्च तक। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जो कर्क लग्न राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चार महीने बहुत तरक्की के रहेंगे, प्रोग्रेस के रहेंगे। आप अपनी फील्ड में यानी कि जहाँ पर जो आप स्टडी वगैरह करते हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपके एजुकेशन का जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा, अप रहेगा, और आपका रुझान बढ़ेगा अपनी एजुकेशन के प्रति, अपनी स्टडी के प्रति। आप अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडी को बहुत गंभीरतापूर्वक लेंगे, गंभीरता से लेंगे, और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी करेंगे। इतना ही नहीं, और जो जातक कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या व्यापार आदि जो भी करते हैं, रोजगार या व्यापार, अगर आप उनमें से किसी एक जगह पर कहीं कार्यरत हैं तो निश्चित रूप से आपके द्वारा जो भी फैसले लिए जाएंगे वह भी बहुत ही एप्रिशिएबल होंगे, और उनके द्वारा जो भी आप एक्शन लेंगे निर्णयों को लेने के बाद वो भी मील का पत्थर साबित होंगे। तो ये वो समय होगा कि जब आप पीछे अगर कोई पेंडिंग है ऐसे डिसीजन जो आप नहीं ले पा रहे थे किसी कारणवश, अब आप उनको ले सकते हैं। संतान की ओर से भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है माता पिता को, तो ये स्थिति रहेगी, और इनकम भी आपको बराबर होगी, आय के भी साधन बहुत अच्छे बने रहेंगे, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा,
बड़े भाई बहनों का प्यार और सहयोग प्राप्त हो करेंगे आप। तो इतना कुछ मंगल के कारण अगले 4 महीनों में आपको मिलने जा रहा है, 13 नवंबर से 12 मार्च के बीच। अब आगे बात करते हैं आपसे सिंह लग्न राशि के जो जातक हैं, यानी कि लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में। आपके चार्ट में जो मंगल हैं, ये एक तो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और दूसरे हैं ये नवम भाव के, यानी कि नाइन्थ हाउस और फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं। और ये दशम भाव में बैठेंगे जाकर के। जैसे ही ये दशम भाव में आएंगे 13 नवंबर से लेकर के 12 मार्च तक, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे हम कि आप कोई भी प्रॉपर्टी आदि से संबंधित अगर कोई डील आपकी पेंडिंग पड़ी है, किसी कारणवश नहीं हो पा रही थी, वो इन 4 महीनों में फाइनल कर लेंगे आप। यानी कि अगर कोई लैंड वगैरह परचेज कर रहे हैं, या कोई कोठी बंगलो फ्लैट इत्यादि, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करना चाहते हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही थी प्रीवियसली, तो अब उसको आप आसानी से डील फाइनल कर पाएंगे। इसके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन छात्रों को थोड़ा सा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। अपनी एजुकेशन से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। धन की स्थिति सिंह लग्न राशि के जातकों को मंगल के कारण अच्छी बनी रहेगी। और दूसरी बात ये कि आपके कार्य क्षेत्र में जो चीज़ें हैं वो भी आप बहुत आसानी से, क्योंकि भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, और भाग्य के सपोर्ट के कारण आप अपने रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत आसानी से अचीव करेंगे। हालांकि आप परिश्रम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये स्थिति आप सिंह लग्न राशि के जातकों की रहेगी। मंगल के कारण ये प्रभाव आपको देखने में आएंगे। आगे बात करेंगे जो कन्या लग्न राशि के जातक हैं, यानी कि वर्गो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में। तो आपके चार्ट में साथियों, जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि एक तो मंगल आपके चार्ट में थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, और एक हैं एर्थ हाउस के, अकारक हैं मंगल आपके कन्या लग्न राशि के जो जातक हैं मंगल आपके लिए। लेकिन अकारक होते हुए भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे, ये अच्छी पोजिशन में रहेंगे। हालांकि वक्री स्थिति है इनकी। जब ये 13 नवंबर से जो वृषभ राशि में आएंगे वक्री स्थिति में और 12 मार्च तक यहाँ रहेंगे 4 महीने, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। एक तो आलस्य दूर होगा, दूर तक आलस्य नाम की चीज नहीं रहेगी आपके शरीर में और आपकी सोच में। पराक्रम में विश्वास करेंगे, एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा और मेंटेन रहेगा, और मेहनत के बल पर आगे बढ़ना पसंद करेंगे। इस प्रकार की सोच रहेगी आपकी। छोटे भाई बहनों से भी अच्छा सहयोग प्राप्त करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं भी आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होंगी। तो ये एक तो स्थिति आपको मंगल के कारण बनेगी 4 महीनों में, और दूसरी बात यह है कि भाग्य का भी सहयोग आपको मिलने वाला है, भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। आगे बात करेंगे तुला लग्न राशि के जो जातक हैं, लिब्रा असेंडेंट बेस्ड। तो देखिए, आपके तुला लग्न राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में मंगल जो हैं, एक तो सप्तम हाउस के लॉर्ड हैं सेवंथ हाउस के, और दूसरे सेकंड हाउस द्वितीय भाव के, इन दो घरों के स्वामी हैं, और ये अष्टम भाव में जाकर के बैठेंगे। तो अष्टम भाव में जाकर के जो बैठेंगे ये 13 नवंबर से, तो एक तो आपके जो पारिवारिक संबंध हैं, परिजनों के साथ जो आपके रिलेशनशिप रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी इन 4 महीनों में, और परिवार के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं उनका भी निर्वाह आप पूरी ईमानदारी और पूरे सिंसियरिटी के साथ करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, जो भी आपके परिजन हैं, उनके प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है उसका आप पूरा ईमानदारी से निर्वाह करने की आपकी कोशिश रहेगी। और ऐसा नहीं है, परिवार के जो सदस्य हैं, परिजन जो हैं आपके, उनका भी आपको भरपूर प्यार और सहयोग इन 4 महीनों में प्राप्त होने वाला है। इसके अतिरिक्त धन की स्थिति अच्छी रहेगी, यानी कि धन का भी आप संचय अच्छी मात्रा में कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा साथियों। बीच बीच में आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के समस्या बन सकती है। और जीवन साथी जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके भी स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है, तो उनका भी समय समय पर अगर मेडिकल चेकअप आदि करा लेते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ, कार्य में आपको अपने कार्य क्षेत्र में संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, और उसके पश्चात अगर आप संघर्ष करते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम आपके अनुकूल आपको प्राप्त होंगे।
आगे बात करेंगे वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के विषय में। देखिए वृश्चिक राशि जो है इसके लॉर्ड तो स्वयं मंगल है, मार्स, तो एक तो ये लग्न भाव के ही स्वामी हो गए, लग्न चार्ट के पूरे लॉर्ड हैं ये आपके वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के। और दूसरा घर जो है वो इनका छठे भाव में है, षष्ठ भाव में, सिक्स हाउस में, मेष राशि इनकी वहां पर है, तो एक ही उसके लॉर्ड है। और बैठेंगे कहां पर, ये सेवेंथ हाउस में जाकर के बैठेंगे 13 नवंबर से लेकर 12 मार्च 2023 तक। तो अब आपको किस प्रकार के रिजल्ट देंगे इन चार महीनों में, ये सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो व्यक्तित्व है उसको ये बहुत आकर्षक बनाएंगे। आकर्षक इस सेंस में कह रहे हैं हम कि आपके जो पर्सनैलिटी होगी उसमें डे बाय डे इतना निखार आएगा कि आपके व्यक्तित्व का लोगों पर एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा, और आपके व्यक्तित्व से आपकी पर्सनैलिटी से ही प्रभावित होकर के बहुत लोग तो आधे काम तो आपके वैसे ही हो जाएंगे आपके पर्सनैलिटी के बेस पर ही, बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे। और दूसरा देखिए समसप्तक योग बन रहेगा मंगल का शुक्र के साथ, बहुत अच्छा राजयोग भी है ये, वैवाहिक संबंध भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे। कारोबार की दृष्टि से देखा जाए यानी कि कार्य क्षेत्र में आपके जहां भी आप कार्यरत हैं, रोजगार या व्यापार जहां पर भी हैं आप, कार्य क्षेत्र में भी आपकी उन्नति होनी है, आपकी सफलता आपको प्राप्त होनी है, तो हर तरीके से मंगल आपको बहुत अच्छा देंगे, पराक्रमी बनाएंगे। सोच भी आपकी कुछ इस प्रकार की ही रहेगी चार महीनों में कि आप स्वयं भी मेहनत करने में बिलीव करेंगे और दूसरों से भी आप यही आशा रखेंगे कि वह व्यक्ति भी मेहनत करके आपको रिजल्ट दे ला करके दे, इस प्रकार की आपकी सोच रहेगी। आगे बात करेंगे जो धनु लग्न राशि के जातक हैं, सेजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में मंगल पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं और एक हैं द्वादश भाव के लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस के, और ये अभी बैठेंगे छठे भाव में चार महीने, ये 13 नवंबर से 12 मार्च 2023 तक। क्या करेंगे ये, देखिए दूर दराज की जो भी अगर यात्रा आप करने वाले हैं करते हैं इन चार महीनों में अपने कार्य को लेकर के, कार्य के सिलसिले में ऑफिशियल कोई विजिट करते हैं आप, टूर करते हैं, तो वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। दूसरा आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा, अपने स्वयं के ऊपर धन का अधिक खर्च करने वाले हैं आप, अपने लुक को और बेटर बनाने के लिए ताकि आप देखने में और अच्छे लगें, सजने संवरने में आपने पैसा अधिक खर्च करेंगे आप अपनी इनकम का, तो लेकिन इतना भी अधिक खर्च ना करें कि जब आपका बजट बिगड़ जाए, इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। और साथियों अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, कोई मामला है, कोई मैटर है, वह भी आपके फेवर में जाने की उम्मीद है इन चार महीनों में, अगर आप चाहते हैं तो उसको करा सकते हैं डेट वगैरह जल्दी जल्दी पढ़वा करके। इन चार महीनों में अगर जजमेंट आता है तो वो आपके फेवर में जाएगा। और शत्रु पक्ष जो है वो आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, आपको फेस नहीं कर पाएगा, और अगर आपका कुछ बिगाड़ना चाहेगा तो बिगाड़ भी नहीं पाएगा, शत्रु पक्ष भी शांत रहेगा। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स को हम जरूर बताना चाहेंगे कि भाई आपको अपना जो धनु लग्न राशि के स्टूडेंट्स हैं कि आपको थोड़ी सी भी अपनी स्टडी में लापरवाही आपका सारा रिजल्ट्स को इफेक्ट डाल सकती है गलत तरीके से, तो इसलिए अपनी एजुकेशन को लेकर के अपनी स्टडी को लेकर के बिल्कुल लापरवाही ना करें, अपना पूरा फोकस बना करके रखें अपनी एजुकेशन पर अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट आपको ठीक ठीक मिलते रहे। आगे बात करेंगे साथियों हम आपसे जो मकर लग्न राशि के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जातक, आपके चार्ट में मंगल फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं और एक इलेवेंथ हाउस के लॉर्ड हैं, और ये पंचम भाव में बैठेंगे 13 नवंबर से जाएंगे वहां वक्री स्थिति में, और ये वहां पर चार महीने रहेंगे। तो मकर लग्न राशि के जो छात्र हैं स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी अपनी स्टडी और अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, आपके मित्रों का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा मकर लग्न राशि के जातकों का, और जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनका भी आपको पूरा सहयोग और प्यार
मिलने वाला है और आय के साधन आपके बने रहेंगे और बहुत अच्छी इनकम आपको होगी इन चार महीनों में। पीछे से अगर कहीं धन के मामलों में कहीं रुकावट आ रही थी, धन के आगमन में कोई रुकावट थी, तो वह सारी चीजें दूर होंगी, समस्या दूर होंगी। तो इस प्रकार के ये रिजल्ट्स आपको देंगे। कुंभ लगन राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो मंगल ग्रह हैं, ये थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं और एक हैं ये दशम भाव के लॉर्ड, टेंथ हाउस के, और ये फोर्थ हाउस में बैठेंगे चार महीने के लिए, 13 नवंबर से 12 मार्च 2023 तक। तो ये सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन आपको देंगे कि आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकें, और आप ऐसा कर पाएंगे। सबसे पहला कार्य तो ये होगा, और दूसरा फिर ये आपके आगे उन्नति के रास्ते खोलेंगे, सफलता के रास्ते खोलेंगे, ताकि आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ें आसानी से अपने कार्य क्षेत्र में। व्यापार आपका है तो व्यापार ग्रो करेगा। तो यहां पर आपका करियर चार महीनों में मंगल बहुत अच्छे तरीके से उसको बूस्ट कराने वाले हैं, और आपको अच्छे उन्नति के अवसर भी आपको प्रदान करने वाले हैं। हां, थोड़ा सा मित्रों से सतर्क रहें, सावधान रहें, और अपने मन की हर बात हर जगह हर किसी से, विशेष रूप से अपने मित्रों से शेयर ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई प्रॉपर्टी आदि की डील अगर कोई है तो वह भी आप फाइनल कर पाएंगे, प्रॉपर्टी का भी योग बन रहा है। वाहन का भी सुख आपको प्राप्त होगा इन चार महीनों में, वाहन आदि की भी खरीद कर पाएंगे आप। और पराक्रम में तो आपके निश्चित रूप से वृद्धि होगी, आप काफी एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। आगे बात करते हैं लास्ट में, अंत में, जो मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो पाइसिस असेंडेंट बेस जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे। आपके चार्ट में मंगल जो हैं वो दो घरों के लॉर्ड्स हैं, लॉर्ड हैं दो हाउसेस के, एक तो जहां पर इनकी मेष राशि है सेकंड हाउस में, उसके लॉर्ड हैं द्वितीय भाव के, और दूसरे हैं ये नवम भाव के, नाइन्थ हाउस के, वहां पर इनकी वृश्चिक राशि है, और ये थर्ड हाउस में आकर के बैठेंगे 13 नवंबर से लेकर 12 मार्च 2023 तक। तो साथियों, निश्चित रूप से आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं, आपका आलस्य दूर करेंगे मंगल, आपको आलसी स्वभाव जो पहले से अगर है उसको दूर करेंगे ये पूर्ण रूप से, और आपको पराक्रमी बनाएंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, और आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। भाग्य का भी सहयोग आपको मिलने वाला है इन चार महीनों में, और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र, उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होने वाली है मंगल के कारण। लेकिन अब क्योंकि पराक्रमी आपको बनाएंगे मंगल, निश्चित रूप से फिर जहां पर भी आप कार्यरत हैं, रोजगार में या व्यापार में, तो वहां पर भी आप आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो अपने पराक्रम के ही बल पर आगे बढ़ पाएंगे, मेहनत के बल पर, और वो आपको करनी होगी, तभी आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है, छोटे भाई बहनों का प्यार मिलेगा, और छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप कर रहे हैं या करते हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा। और साथियों, अगर कोई आप में से कोई इतिहासकार हैं, राइटर हैं, किसी नाटक आदि में काम करते हैं ऐसे लोगों को, या कोई पब्लिशर हैं, उनके लिए भी ये चार महीने काफ़ी सफलता वाले रहेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन होने के उपरांत आप 12 लग्न राशियों के जो जातक हैं उन पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा। प्रिय साथियों, आपको ये पसंद आई है चर्चा हमारी, तो निश्चित आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएं। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, उन सभी की नोटिफिकेशन, सर्वे सारे वीडियोस बिना किसी समस्या के सीधे आप तक पहुंच पाएं, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें,
इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।